ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं जो ऊपर से आपको लिफ्ट नजर आ रही होगी, अचानक से नीचे गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 6 से 7 लोग इस लिफ्ट में फंसे हुए थे और अचानक से लिफ्ट गिरती है, जिसके चलते जो 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस है वो पहुंची हुई है, और साथ ही अब जाँच की जा रही है। जो ये आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही होगी, ये आम्रपाली बिल्डर है जिसकी ये साइट पर निर्माण चल रहा था। जो मजदूर थे, जो कर्मचारी थे, वो काम कर रहे थे, अचानक से लिफ्ट, जो पैसेंजर लिफ्ट थी वो टूट जाती है, जिसके चलते धड़ाम से लिफ्ट नीचे गिर जाती है। सामने आपको लिफ्ट नजर आ रही होगी, इसी लिफ्ट पर जो लोग थे वो सवार थे, कहीं ना कहीं लापरवाही भी कहेंगे, और जिसके चलते अब जो 4 जिंदगियां हैं वो चली गई हैं। हालांकि अब जांच है वो की जा रही है, मौके पर अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, साथ ही अथॉरिटी की तरफ से भी यहां पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको साफ नजर आ रही होगी किस तरीके से जो बड़ी बड़ी इमारतें, गगन चुम्बती इमारतें हैं, और इसके माध्यम से जो आपको ये एक पाइप सा नजर आ रहा हुआ है, जिस पर से अचानक से लिफ्ट है वो नीचे गिरती है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा हादसा है। हालांकि अब जांच है वो की जा रही है, किस तरीके से लापरवाही है, क्या बिल्डर की लापरवाही है, और क्या जो मानक होते हैं, अगर कोई भी लिफ्ट, पैसेंजर लिफ्ट उपयोग में लाई जाती है उससे कुछ मानक होते हैं, वो मानक कंप्लीट थे या नहीं, उस सभी पहलुओं पर जो पुलिस है और जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो जाँच में जुट गए हैं। और जाँच के बाद कौन इसमें किसकी लापरवाही हो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। हाँ।